दोस्तों आज हम आए हैं टाटा मोटर्स के पीछे। ये यहाँ पे ये कोर्नाला जी के यहाँ पर, ये लक्ष्मी कोर्नाला जी है अपर कालाबड़ में। तो यहाँ पर ये घर के अंदर सांप आ गया है। सांप कौन सा है तो पता नहीं, ये तो भी देखते हैं। ये तो काफी परेशान तो चल दोस्तों, पकड़ते हैं सांप को, शुरू करते हैं सांप को पकड़ना। इसके अंदर है ना एक ही, कितने कितने हैं यहाँ है कि यहाँ उठा गया तो हाँ इसके अंदर ही। चलो दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप पकड़ते हैं। सांप को यहीं पे ये देखो दिख रहा है, वो यही है। ना यहीं पे वो इसके नीचे घुस गया। अजगर अजगर दोस्तों, इस पन्नी के अंदर जो है अजगर सांप है, वो जंगल से रेंगता हुआ सांप आ गया है। दोस्तों लगभग ये सांप जो है 5 से 6 फीट की लंबाई का सांप है। ये पकड़ना पड़ेगा। इसके दांत होते हैं काफी खतरनाक, इन्हें काट लिया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। 5 से 6 फीट इसकी लंबाई है। मेल है दोस्तों। पाइथन अजगर इसको रेस्क्यू कर लिया है। ये पॉटी भी कर रहा है रात पे। ये तो सही लग गया, कस लिया है, किसकी पकड़ है। एक इसका बोलने लगे ये सांप जो है जहरीला नहीं होता, लेकिन जो इसके मुंह में बैक्टीरिया भरे होते हैं और इसके मुंह जो है 100 दांतों की कतार होती है, दो ऊपर दो नीचे। आए कैसे हो गई बताइए। तो दोस्तों ये इसके ये अपने शिकार को ये सूंघ के आता पहुँचा है किसी चूहे के पीछे या किसी छोटे जानवर के पीछे। जहर तो नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, इसके दांतों में भरे होते हैं। अगर ये काट ले तो दोस्तों छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये तो वैसे लपेट के मार देना दोस्तों। ये लपेटने वाला सांप बोलते हैं इसको, अजगर है ये। अब ये जवानी है और मेरे हाथ पे जो है इनमें खून का भाव रोक दिया है। अभी दर्द होना शुरू हो गया हाथ पर, महसूस हो रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत मजबूत है तो इसको अजगर बोलते हैं। तो आप सभी से ये कहना है कि जब भी आपके घर के आसपास कहीं भी सांप आ जाए, सांप को मारना नहीं है, किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाना है और उस सांपों को ना मारे, क्योंकि ये जो है किसी चूहे के पीछे ही आया होगा या किसी मेंढक के पीछे, किसी छोटे जानवर के पीछे। बहुत ही सुंदर जानवर है दोस्तों ये। यहाँ तो नदी नाला भी नहीं है ना, जो नदी इसकी लंबाई जो है लगभग 5 से 6 इसकी लंबाई जो है लगभग 5 से 6 फीट है। वजन इसका लगभग 5 किलो से ज्यादा होगा। आप क्या करोगे? इसको पकड़ेंगे जंगल में छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, जिससे इसकी जान बचे और लोगों को लोग भी शौक से रहे। दर्शक ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों पैक करते हैं सबको। इसने मेरे हाथ में पॉटी कर रखी है बार बार। हमने पैक कर दिया है, हमने पैक कर दिया है। अरे रघुवीर सिंह जी, अरे जी फोन कर ना, वो भी इनका काम यही है। पहले वो फॉरेस्ट में थे ना, रिटायर हो गया वो, तो वो भी जहाँ मतलब ये उनका काम भी यही था। तो दोस्तों इस सांप को हमने पैक कर दिया है,
और इसको जंगल में छोड़ेंगे, प्रभा के जंगल में डिग्री कॉलेज के पीछे, और सांपों को मारे ना, देख रहे हमारे चैनल जेके आई हेट स्नेक यूट्यूब चैनल, और जहाँ भी कभी सांप आए हमें बुलाएं, सांपों को मारे ना। इसको दोस्तों हमने जो है काला पर से पकड़ा है, टाटा कंपनी उसके पीछे से, ये कॉलोनी में आ गए थे खेत के अंदर छोटे से भूसे के ढेर में थे दोस्तों ये। चलो छोड़ते हैं सांप को। अरे मेरा इसके बाद कि दोस्तों ये जो है पायथन थैले से बाहर नहीं आना चाह रहा है, इसने थैले को ही जकड़ लिया है, पता तो नहीं किस बात से नाराज है। देख रहे दोस्तों ये इसने थैले को ही जकड़ लिया, सारी इसने जो है अपनी गर्दन ही जकड़ लिया खुद ही। देखो दोस्तों इसने जो है कपड़े में दांत गड़ा दिया है। ये दोस्तों इसने जो है अपने शरीर में ही दाग गड़ा दिया है, और जो है इसने इस थैले में भी दाग गड़ा दिया है। ये इस थैले को हमारा हाथ समझ रहा है, तो दोस्तों इसके साथ में जो है खींचतान करनी ठीक नहीं है, ये खुद ही नॉर्मल होकर छोड़ देगा थोड़े दिन में, देखते रहिए दोस्तों। तो ये इसका मुंह है, ये इसका चेहरा है, पता नहीं है क्या सोच रहा है इस कपड़े को, ये इसने इसको बुरी तरह से लपेट लिया है कपड़े को। देखिए दोस्तों इसकी पकड़ी है दोस्तों, ये इसकी लंबाई है दोस्तों, ये 5-6 फीट इसकी लंबाई है, और इन्हें मछली को ऐसा लपेट लिया है कि जैसे ये जो है मात्र जो है 1-1.5 फीट का ही है, ये ऐसा लग रहा है दोस्तों दिखने में। ये देखिए दोस्तों ये इन्हें पकड़ रखा है कपड़े को, देखिए दोस्तों ये है, अब छोड़ा दोस्तों इन्हें, ये गलत फहमी में दोस्तों इन्हें कपड़े को ही हमारी वो समझ लिया था, हमारा शरीर हमारा हाथ पैर। ये दोस्तों ये हम पे ही जो है ये हमला कर रहा है, ये पायथन ही है। ये दोस्तों छोड़ते हैं इस सांप को, चल बाल गोपाल सर दोस्तों छोड़ते हैं सांप को जंगल में। अब ये नहर में है, और यहाँ पर जो है जनता आती रहती है पीने खाने।